हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का एमडी टेक इंडिया एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं ये Xiaomi Pad 5 का एक बैटरी चार्जिंग टेस्ट। और आज का इस बैटरी चार्जिंग टेस्ट में हम लोग देखेंगे कि जो Xiaomi Pad 5 है क्या रियली में जो इसमें 8720 mAh का बैटरी है वो अंडर 90 मिनट्स में 0 to 100% होता है कि नहीं। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा इस वीडियो को। और अब यही बात हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। तो जैसा कि देख सकते हैं ये है Xiaomi Pad 5। ऑल दो मैंने अभी इसमें कवर लगा के रखा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बैटरी है वो पूरा डाउन हो चुका है, 0% पे है। और यहाँ पर हम लोग जो है इसको यूज करेंगे जो कि जो चार्जर इसमें प्रोवाइड किया गया था, ये 22.5 वाट का चार्जर। और ये इसमें केबल जो प्रोवाइड किया गया वो केबल हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग सब कुछ कनेक्ट करते हैं। ऑल राइट, तो हम लोग यहाँ पर ये एक्सटेंशन बोल लिया है, इसमें जो है हम लोग इसको कनेक्ट कर चुके हैं, चार्जर कनेक्ट हो गया है, आपका स्टॉप वॉच भी रेडी है, बस हम लोग को पैड को ओपन करना है। सेटअप कर देते हैं थोड़ा सा अच्छा से। ऑलराइट, तो यहाँ हम लोग ने जो है अपना सब चीज़ सब सेटअप कर लिया है, सब चीज़ यानी हमने चार्जर कनेक्ट कर लिया है टाइप से, फिर हम लोग का स्टॉप वॉच भी रेडी है। तो अब हम लोग करेंगे यहाँ से ऑन, और ऑन करते के साथ ही यहाँ पर एम आई का लोगो आ गया और हम लोग का जो है स्टॉप वॉच भी स्टार्ट हो चुका है। तो अब बस हम लोग को ये देखना है कि क्या ये 90 मिनट्स में 0 to 100% का हम लोग को फुल चार्जिंग दे पाता है कि नहीं। तो ये वीडियो में अब यहाँ से हम लोग का बस ये वीडियो शुरू हो रहा है, तो ये वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा कि क्या रिजल्ट निकलता है, क्या कंपनी का क्लेम सही है कि नहीं। और हम लोग जो है स्टैंडर्ड 22.5 वाट चार्जर है जो बॉक्स में प्रोवाइड किया गया था उसको हम लोग कर उससे चार्ज कर रहे हैं। ऑल दो ये 33 वाट का चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो देखते हैं कितना देर में ये कम्प्लीटली चार्ज करता है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अभी करीब करीब हम लोग का जो है आधा घंटा यानी 30 मिनट्स जो है बीत चुका है, यानी प्रॉमिस टाइम का 1/3 पार्ट खत्म हो चुका है। अब देखते हैं चार्जिंग अभी क्या पोजीशनिंग पे है। तो अभी चार्ज हुआ है वो हो चुका है 25% चार्ज। अभी भी टेम्परेचर जो है वो 36.7 डिग्री सेल्सियस ही, यानी टेम्परेचर अभी भी सही चल रहा है, यानी करीब करीब 1/3 टाइम में 1/4% ही चार्ज हुआ। जबकि जो हम लोग चार्ज कर रहे हैं वो रियल लाइफ टेस्ट कर रहे हैं कि चार्जिंग भी है, ये भी है, सब चीज़ वाईफाई ऑन है, सब चीज़ ऑन है, तभी भी 25% हुआ आधा घंटा में। तो अगर इस हिसाब से देखें तो ये हो सकता है कि आपको जो है करीब करीब 2 आवर्स के लिए फुल चार्ज होने में, यानी कि 120 मिनट्स। तो जैसे ही देखते हैं ये 90 मिनट्स लेता है कि 120 लेता है कि उससे भी ज़्यादा लेता है कि 90 से भी कम लेता है, तो बस थोड़ा देर का ये वीडियो में और देखिए। और फिर मैं आप लोग को बात करूँगा जब हम लोग का चार्जिंग का ये पॉज हो गया था, चार्जिंग का है वो करीब 60 मिनट्स पूरा मार्क क्रॉस कर लेगा, तब मैं फिर आप लोग को अगला अपडेट देता हूँ ये कितना और देर ये चार्ज लेता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो अभी जो टाइम हो चुका है वो हो चुका है टोटल 1 hour 34 minutes, यानी 94 मिनट्स हो चुका है, यानी कि जो प्रॉमिस टाइम था उसका वो टाइम हो चुका है। और अब देखते हैं चार्जिंग कितना परसेंट हुआ है।
तो जो अभी चार्जिंग हुआ है वो हो चुका है अब तक का 80%। चलिए 100% नहीं हुआ ना सही, कम 80% हो गया, यानी अराउंड 94 मिनट्स में आपको 80% चार्ज हो गया। और अभी जैसे कि आप टेम्परेचर देख सकते हैं, अभी भी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री पे ही है। तो ये टेम्परेचर वाइज काफ़ी सही चार्जिंग दे रहा है, बिल्कुल हीट नहीं हो रहा है, आराम से नॉर्मल टेम्परेचर पे चल रहा है। और आपको मैं बताया था कि इसमें जो है लाइव टेस्ट कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड टेस्ट कर रहे हैं, कोई भी लैब टेस्ट नहीं है। यहाँ पर जो सराउंडिंग टेम्परेचर वो है ही, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर था वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हम लोग इसको टेस्ट कर रहे हैं। और आप देख ही सकते हैं कि ये अच्छा खासा 80% चार्ज हो चुका है, और अभी भी ये फास्ट चार्ज ही ले रहा है। तो अभी 81% हो चुका है। अब जैसा कि शुरुआत में चार्जिंग चल रहा था और तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये 2 आवर्स तक का चार्जिंग टाइम लेना चाहिए। तो अभी जो है हम लोग थोड़ा सा और इंतजार करते हैं, देखते हैं ये 2 आवर्स में, यानी अभी से करीब करीब 25 मिनट्स के बाद देखते हैं ये क्या 100% चार्ज हो पाता है कि नहीं, यानी 19% और चार्ज होना है, या 90% होने के बाद ये स्लो हो जाएगा और ज़्यादा टाइम देगा। तो हम लोग 90% के आसपास का एक बार टाइम देखो से देखें कि ये क्या स्लो होता है कि नॉर्मल रहता है। तो तब तक के लिए ये वीडियो में थोड़ा देख लिए, और थोड़ा देर का और वीडियो है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं एंड में इसका मैं पूरा सिनॉप्सिस दूंगा कि कैसा रहा, क्या रहा इसका चार्जिंग टेस्ट, और कैसा इसका रिजल्ट आया, और क्या इसका एनालिसिस है, मैं आपको वो जरूर बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो जरूर वीडियो के एंड को जरूर तक देखिएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर करीब करीब जो है आपका 2 आवर्स खत्म होने को आ रहा है, और यहाँ पर अभी जो हम लोग का बैटरी है वो 96% पर चार्ज हो चुका है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ये इसका बैटरी है यानी चार्जिंग कैपेसिटी स्पीड है वो टर्बो चार्ज से हट के क्विक चार्ज पे चल गया है, यानी जो पहले टर्बो चार्ज ले रहा था वो टर्बो चार्ज से हट के अब क्विक चार्ज ले गया, जिससे कि जो आपका बैटरी है वो खत्म नहीं हो। तो कुल मिला के देखा जाए कि ये कितना देर में चार्ज होता है, तो करीब करीब ये 90% 95% तक 2 आवर्स में कम्प्लीटली चार्ज हो गया। अब ये देखते हैं यहाँ से ये और कितना टाइम लेता है कम्प्लीटली, 3-4% जो बाकी है नॉर्मल चार्जिंग में वो कितना देर लेता है। और जैसे ही ये कम्प्लीट होगा इसके बाद मैं आपको इसका कंप्लीट एनालिसिस दे दूंगा कि ये टोटल कितना देर में चार्ज हुआ। तो इस वीडियो में थोड़ा देख ली, कुछ मिनटों का और चार्ज है, कुछ मिनट के लिए और बने रहिए तब तक हम लोग के साथ। और जैसे ही चार्जिंग कंप्लीट होता है फिर मैं आप लोग से बात करता हूँ। सो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 घंटा और 10 मिनट का टाइम ख़त्म होने के बाद हम लोग का जो पैड 5 है वो पूरी तरीके से चार्ज हो गया, और वो अभी देख सकते हैं पूरा पूरी 100% चार्ज हो चुका है। और थोड़ा सा इस पे गुलगुल जम आ गया था, तो इस पे हमको ग्लास लगवाना पड़ेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो बैटरी है वो 100% हो चुका है, और अभी जो है मैंने अभी जस्ट वाईफाई ऑफ किया है, या फिर कहीं अभी वाईफाई ऑफ ही है। आप देख सकते हैं ये अभी जो है 100% है, और ये हेल्थ गुड है, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, अभी ये बिल्कुल सही चल रहा है। तो अब आ जाते हैं कि इसका क्या एनालिसिस रहा, कितना कितना देर में कितना कितना परसेंट चार्ज हुआ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये इसको स्टार्टिंग हम लोगों ने किया तो ये बैटरी बिल्कुल डेड था, तो 1% आने में थोड़ा सा तो 1 मिनट का टाइम लग गया कि ये 1% आया। उसके बाद से करीब 15 मिनट पे के आसपास ये जो इसका बैटरी था वो 10% चार्ज हुआ था, उसे से इंक्रीज किया अच्छा, और करीब 1 घंटा खत्म होने पर ये आपको 50% बैटरी उसका चार्ज हो चुका था तुरंत ही। और उसके बाद 50% यानी कि करीब करीब 4000 mAh इसका बैटरी हो चुका था चार्ज करीब 1 घंटा पे। और टोटल जैसे ये 90 मिनट्स हुआ तभी भी 80% ही चार्ज हो पाया था। तो जो कंपनी ने दावा किया था कि 90% जो है 90 मिनट्स में ये फुल चार्ज हो जाता है वो फेल हो गया है यहाँ पर, बट 90 मिनट से थोड़ा ज़्यादा यानी हाफ एन आवर एक्स्ट्रा लिया है, तो 2 आवर्स में जो ये है आपका फुल चार्ज हो गया है।
और फाइनली ये जो है 95% आने पर जो है इसने अपना जो टर्बो चार्जिंग था वो क्लोज कर दिया और नॉर्मल फास्ट चार्जिंग में चला गया था, जिसके कारण करीब करीब हम लोग को 10 से 15 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा वो 5% चार्ज होने में, जो कि एक नॉर्मल चार्जिंग या फास्ट चार्जिंग नॉर्मल फास्ट चार्जिंग के हिसाब से भी काफ़ी सही स्पीड दिया है। तो चार्जिंग के बेसिस पे है तो ये बहुत अच्छा चार्ज किया है, करीब 2 घंटा में ये आपको जीरो से जबकि पूरा बिल्कुल बैटरी डेड हो चुका था, बैटरी खत्म था, जीरो ऑटोमेटिक शट डाउन हुआ था ये हम लोग का टायर, उसका हम लोग इसको चार्ज में लगाए हैं और ये पूरा पूरी 2 घंटे में चार्ज हो गया। तो एज कंपेयर किससे करेंगे तो अगर एक बैटरी कंपेरिजन में जाए कि 8720 mAh का बैटरी आपको 2 घंटा में फुल्ली चार्ज हो जाता है, तो ये बहुत ही एक अच्छा है। और जैसा कि बोला गया था कि ये बहुत ज़्यादा देर चलेगा, अब ये देखना है कि कितना देर टोटल चलता है, कितना देर चलेगा मैं आपको कमेंट्स में करके बता दूंगा। और तब तक के लिए मैं इस वीडियो में आप लोग से अलविदा लेता हूँ और फिर मैं मिलता हूँ आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और